सर, सबसे पहले तो YTM के साथ साथ अपने साहू सर के साथ साथ, देवव्रत जी के साथ साथ, सभी सम्मानित साथियों के साथ साथ अपने उस बंदे को मैं नमन कर रहा हूं, क्योंकि गुरु जब नमन करता है अपने शिष्य को, गुरु चेला नहीं बनाता है। गुरु अगर वाकई में गुरु है तो वो गुरु बनाता है। और मैं इनकी गुरुता पर, इनकी महानता पर, मंटू सर की, मैं शुरू में जब आप हमारे दरवाजे पर आए थे और जोड़े थे हमको, तो हमारे दिमाग में तीन बातें थी कि मैं YTM में इस ऐसे शख्सों को जोड़ूं, ऐसे व्यक्तियों को जोड़ूं। एक स्वार्थ था मेरा, और उसी हिसाब से सबका स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ का परमार्थ भी नहीं होता है। उसी हिसाब से मैं तीन बंदे को जोड़ा, क्योंकि लोग माने ना माने बिरादरी बात या बिरादरी की बात, लेकिन हमारे दिमाग में वो बात है, क्योंकि मैं 63-64 बरस का हूं, अनुभव किया हूं। एक ब्राह्मण को मैं जोड़ा, एक ठाकुर को जोड़ा अपने साथ, और एक यादव को। इसके पीछे रीजन क्या है? ABC जो हमारी टीम थी, इसके पीछे हमारी सोच थी कि ये तीनों बिरादरी के लोग कभी हार नहीं मानते, ये जनूनी होते हैं, और जिसकी नींव मजबूत नहीं होगी तो आगे के लिए जो है रास्ता आसान नहीं होगा। खैर, हमारे कमलेश्वर पांडे जी जो बिहार वाले हैं, वो हमारे साथ काम किए हैं करीब करीब 22-24 साल, PACL जैसी कंपनी में। आज भी PACL ब्रांड है, क्योंकि सिस्टम उसी ने दिया हमको, जनून भी वही दिया, समझ भी वही दिया। हालांकि अभी हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि आपके इस मंच पर आवें, हम दोनों आदमी आएंगे क्रमवार, बहुत सारी चीजें जो हम लोग सीखे हैं वो आप सभी के सामने व्यक्त करेंगे अपनी बातें, क्योंकि जो भी समय था आज का वो तो हमारे मंटू सर ने ले लिया, और शायद मेरे जीवन का ये सबसे सुखद पल है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी कल्पना है। और आज मेरे जीवन में जो प्रसन्नता है, शायद ये मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मंटू सर जैसा आदमी, मेरे कहने का मतलब है कि आज तो हमारे संस्था में YTM में कुछ लीडर हैं, आने वाले समय में सभी लीडर होंगे, सभी वक्ता होंगे, लेकिन अपने अपने कमल नारायण साहू जी को, ये धन्वंतरी हैं, ये धन्वंतरी हैं, और ये केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं है, इनको साधारण व्यक्ति से संबोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे धन्वंतरी रास्ता पकड़ के चलते थे, हम लोग पढ़े भी हैं, तो तमाम जड़ी बूटियां उनके पीछे पीछे चलती थी, और वो स्वयं कहती थी कि मैं इस मर्ज की दवा हूं, इस मर्ज की दवा हूं। लुकमाने हकीम, धन्वंतरी, मैंने हमारे अगर देखा जाए, साहित्यों में देखा जाए, बीते हुए समय में देखा जाए, तो बहुत सारे महापुरुष इस आयुर्वेद से संबंधित सिस्टम को लेके चले हैं, उनकी गाथा आज भी जारी है। और इस YTM की गाथा आगे चिरकाल तक रहेगी, क्योंकि बेशक हम लोग कोई भी काम किए, लेकिन जितना गौरव, जितना उत्साह, जितना आत्मविश्वास आज इस YTM में मिल रहा है, क्योंकि जब दरवाजे पर कोई आके कहता है कि सर आपका दवा जो है लाजवाब है, मैं पीड़ित था, पीड़ा से एकदम त्रस्त था, बिस्तर पकड़ लिया था, उठने बैठने की सामर्थ्य नहीं थी,
और आपकी दवा 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में हमको चला दिया, सुकून दिया, आराम दिया, किसी का आश्रय समाप्त कर दिया, तो ऐसा लगता है दिल दिमाग में कि शायद इसीलिए हम लोग बने थे, जन कल्याण के लिए बने थे। आज जिस चीज के लिए हम सारे लोग YTM वाले बने हैं, वो YTM आपके दरवाजे मिल चुकी है, आपके घर पर मिल चुकी है, आपके करीब जा चुकी है, और इस YTM को लेकर के, YTM के सारे प्रोडक्ट को लेकर के, उसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो बहुत मूल्यवान है, उसके हर कण के प्रोडक्ट, आने वाले भी जो प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि हमारे CMD साहब की ही सोच ही निर्मल है, विमल है, स्वच्छ है, साफ सुथरा है, तो आने वाला जो टाइम है उसमें भी जो प्रोडक्ट आएगा वो निश्चित है काबिले तारीफ होगा। अब तक जो प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं वो तो लाजवाब ही है। इन्हीं सब शब्दों के साथ, चूंकि बहुत वार्ता हम नहीं बढ़ाना चाहेंगे, चूंकि बातें तो दिल दिमाग में बहुत है कि घंटों बोला जा सकता है, लेकिन समय को देखते हुए और पुनः मैं धन्यवाद दूंगा अपने मंटू सर का, और साथ ही साथ इनके माता पिता को नमन करूंगा, क्योंकि इस तरीके का लाल उन्होंने पैदा किया है कि केवल अगर सुपुत्र है किसी का, अगर वाकई में बढ़िया शिष्य है, तो अंगुली दिखाने से वो समझ जाता है, इशारा समझ जाता है। अगर थोड़ा सा केवल पुत्र है तो कहना उसको पड़ता है, और अगर उससे भी बार बार अगर हम कहें तो पुत्र की श्रेणी से उसको हटा दिया जाता है, शिष्य की श्रेणी से हटा दिया जाता है। तो एक बार इशारा करने के बाद जहां तक हमारी सोच नहीं थी वहां तक इनकी सोच, मंटू सर की सोच पहुंच रही है, इनका सारा सिस्टम पहुंच रहा है। कल हमारे जोगिंदर जी, चूंकि लाजवाब कंपनी के प्लान को या दवा के बारे में जोगिंदर से मैं बहुत सीखता हूं, जोगिंदर मेरे साथ 2200 साल काम किए हैं, जोगिंदर को एक एक कड़ी मैं समझाता रहा, बोलने की बात सिखाता रहा, खैर आज भी उस चीज की कदर करते हैं, और यही कारण है कि मैं जोगिंदर के साथ, जिनको मैं स्वयं पढ़ाया था, समझाया था, उनके साथ मिल करके इस YTM में आया हूं। साथ ही साथ एक हमारे साथी, इस YTM में मैं चल नहीं पाता, इस YTM में चलने का सारा श्रेय, हमारे चलने का सारा श्रेय अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वो है अमोद शर्मा। बेशक उनको लाभ हो ना हो, एक ऐसा अद्वितीय व्यक्ति जो अपना लाभ, अपना हित, वो सारा चीज मुझ पर समर्पित कर दिया है, तो मैं भी चाहूंगा कि मेरे साथ साथ जितने लोग चल रहे हैं, आज हमारे मंटू सर हमारे एक बंदे से बात कराए, जिनकी मैं स्वयं ID लगा चुका हूं, केवल ग्रीन नहीं किया हूं, और उनका आदेश आया कि फला व्यक्ति आपका नाम ले रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि गिरी जी हमारे पास पहुंचे थे, आप बताइए इस ID को क्या करें, मैं बोला अपने साथ लगा लीजिए। तो ये सारा मेरा जीवन ही, मेरे जितने साथी हैं उन सभी के लिए समर्पित है, YTM के लिए समर्पित है, और पुनः मैं देवव्रत मौर्या जी को और साथ ही साथ इस कंपनी के निर्माता, चिंतक, विचारक और इतना पवित्र संस्था बनाने वाले को और उनके माता पिता को, सभी को नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। पुनः दूसरी बात, बाकी बातें बाद में करते रहेंगे हम लोग। धन्यवाद। जय YTM।